जिन लोगों को यहाँ पर भी नहीं पता है वो ध्यान से सुनना, पंचगव्य किसको कहते हैं? गाय माता से मिलने वाली पांच वस्तुएं, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर का रस, इन पांचों को कहते हैं पंचगव्य। और इनके माध्यम से संसार की ऐसी एक भी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। यहाँ तक कि जहाँ एलोपैथी ने, अंग्रेजी डॉक्टर और दवाइयों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि इस बीमारी में कोई इलाज नहीं है, वहां पर भी पंचगव्य अपना कमाल दिखा रहा है मेरे भाई बहनों। कैसे? आप भी ध्यान से सुनना, क्योंकि हो तो सब भी आप भी बीमारी, कोई भी इंसान यहाँ पर बैठा स्वस्थ नहीं है, सबको कोई ना कोई बीमारियां यहाँ पर हैं। किसी के तो पैर घने दुखे ने, गोडा घना दुखे ने, कड़िया घनी दुखे ने, सबको कोई ना कोई दिक्कत है ही है, सारी समस्याएं हैं। और याद रखना, शास्त्र महापुरुष कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। दुनिया का सबसे प्रथम सुख है कि तन स्वस्थ रहे। अगर किसी का तन स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए कोई भी सुख कोई काम का नहीं है। अब आपके पास धन तो बहुत है, धन सुख है आपके पास, इतना धन, इतना धन, इतना धन है कि रोज हलवा बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर डॉक्टर ने शुगर बता दी, हलवा क्या काम का आपने, उल्टा देख देख के जी जलेगा। इसीलिए बताया पहला सुख निरोगी काया मेरे भाई बहन। और आज देखा जाए सब लोग दुखी हैं, कोई ना कोई रोग सबको है। और रोग क्यों है? भोग बढ़े उस दिन से रोग भी बढ़े। हमारे पूर्वज रात की पड़ी हुई घाट राबड़ी को खा पी करके सुबह काम में लग जाते थे, या फिर मिर्ची कूट करके उसके साथ सूखी सूखी रोटी खा लेते, तब तक तो कोई बीमारियां थी नहीं। लेकिन जिस दिन से ये दो तीन प्रकार की सब्जियां और चार पांच प्रकार की रोटियां बनाना शुरू कर दिया, उस दिन से भोग बढ़े, उस दिन से रोग भी बढ़ गए। लेकिन गौ कृपा से सारे रोग ठीक हो सकते हैं। अगर आपने तीन नियमों का पालन किया तो आपको कोई रोग स्पर्श भी नहीं कर सकता है। अब वो तीन नियम कौन से हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सुबह उठ करके खाली पेट आठ बार छान करके, आठ तह के कपड़े से आठ बार छान करके घूंट भर गाय माता का गौमूत्र पी लीजिए मेरे भाई बहनों। गौमूत्र बहुत बड़ी औषधि है। गौमूत्र से कितने लाभ हैं पहले मैं आपके सामने प्रमाण रख दूं, ताकि मैंने पहले ही कहा ना, बिना प्रमाण के कोई बात हमारे गट से उतरती नहीं है मेरे भाई बहनों। अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो दो साल पहले एक न्यूज छपी थी, एक खबर छपी थी, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 12 डॉक्टरों ने, जिनकी अगुवाई कर रहे थे डॉक्टर गोलकिया जी, उन्होंने 400 गौ माताओं पर 4 वर्षों तक रिसर्च किया। तो डॉक्टर गोलकिया जी की टीम के सामने एक बात आई कि गाय माता के गौमूत्र में 388 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं जो 174 प्रकार की बीमारियों को जड़ सहित खत्म कर देते हैं, जिसमें कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी संभव है ठीक होना। दूसरा प्रमाण मेरे भाई बहनों है इंदौर का। इंदौर के आरएनटी मार्ग पर, रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग पर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है डॉक्टर जैन काउ यूरिन थेरेपी सेंटर। ये हॉस्पिटल 12-13 साल पहले खुला था और अभी तक मेरे भाई बहनों इस हॉस्पिटल में लगभग 3,500 से भी अधिक कैंसर के मरीज ठीक हो चुके हैं मात्र गौमूत्र पीने से। तीसरा प्रमाण भी इंदौर का ही है। इंदौर के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर अखिलेश जी भार्गव। उनका एक इंटरव्यू साक्षात्कार अभी 6-1 महीने पहले अखबार में छपा था। उनसे जब पूछा पत्रकारों ने कि आप कैंसर की सबसे बड़ी औषधि क्या बताते हैं, उन्होंने एक ही बात कही कि आज कैंसर की गौमूत्र से बड़ी कोई औषधि अभी तक आई नहीं है। और चौथा प्रमाण हमारे राजस्थान का है। राजस्थान के धौलपुर जिला है, सुना है आपने कभी नाम? धौलपुर जिले में मेरे भाई बहनों पिछले साल आयुष विभाग, जो आयुर्वेद का आयुष विभाग है भारत का, उसने और राजस्थान सरकार ने मिलकर के एक पंचगव्य चिकित्सा केंद्र खोला और अभी तक साल भर में इतने मरीज वहां से ठीक हो गए हैं कि अब राजस्थान सरकार ने आयुष विभाग को एक रिपोर्ट भेजी है कि राजस्थान के हर जिले में एक पंचगव्य चिकित्सा केंद्र होना चाहिए। तो इतने लोग ठीक हो रहे हैं। तो सुबह सुबह खाली पेट आठ तह के कपड़े से छान करके, आठ बार छानना है आठ तह के कपड़े से, और सुबह सुबह खाली पेट गौमूत्र पीना है। गौमूत्र सारे लोग पी सकते हैं, हर आयु के लोग पी सकते हैं, हर उम्र के लोग पी सकते हैं। बस सावधानी ये रखनी है कि गाय माता का हो, देसी गाय माता का, जर्सी का नहीं,
बछड़ा हो तो भी चलेगा, लेकिन देसी होना चाहिए। दूसरी बात, गाय माता ग्यावन ना हो, गर्भवती ना हो। तीसरी बात, गाय माता ब्याने के बाद 45 दिन यानी कि डेढ़ महीना हो गया हो, ऐसी ही गाय माता का गोमूत्र पीना चाहिए। और जो सड़क पर गंदगी खाते हैं, प्लास्टिक खाते हैं, उनका नहीं, घर में व्यवस्थित जो आहार लेते हैं उन गाय माता का गोमूत्र पीना चाहिए सुबह सुबह खाली पेट, एक घंटा पहले और एक घंटा बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं। हाँ, पानी जरूर पी सकते हो, बाकी दूध कॉफी कुछ भी नहीं पीना है, एक घंटे बाद फिर आराम से पी सकते हो। तो सुबह सुबह गौमूत्र पिए। दिन में जब आप भोजन करने बैठे उस समय एक गिलास गाय माता जी की छाछ लें, उसमें मूंग के दाने जितना चूना डालें, चूना डालते हैं ना आप खाने वाला चूना जो पान के साथ खाते हैं फिल्टर लाइम, तो उस खाने वाले चूने को मूंग के दाने जितना छाछ में डाल करके दिन के समय भोजन के समय खाना। मेरे भाई बहनों, छाछ की महिमा भी बड़ी अद्भुत है। हम इंसान ही ऐसे हैं जिनको छाछ पीने मिलती है, बाकी भगवान को भी दुर्लभ है छाछ। तो एक बार यक्ष और युधिष्ठिर जी में प्रश्नोत्तरी चली, तो यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि किम शक्र से दुर्लभम, यानी देवताओं के राजा शक्र को, शक्र कहते हैं इंद्र को, इंद्र को क्या दुर्लभ है? तो एक ही जवाब दिया, तक्रम शक्र से दुर्लभम, देवताओं के राजा इंद्र को छाछ बहुत दुर्लभ है। भगवान को पीने नहीं मिलती छाछ, क्यों नहीं मिलती? भगवान का भोजन होता है यज्ञ में जो अपन आहुतियां देते हैं वो, और आज तक किसी भी यज्ञ में छाछ की आहुति डालते देखा क्या? नहीं। इसलिए भगवान को बहुत दुर्लभ है मेरे भाई बहनों छाछ पीना। हम इंसान तो बड़े किस्मत वाले हैं, और छाछ की महिमा कितनी है, आप लोग तो भागवत कथा सुनते रहते हो, उसमें भी प्रमाण आता है। आप लोगों ने भागवत कथा कई बार सुनी है, उसमें प्रसंग आता है कि कन्हैया ने माखन की मटकी फोड़ी, ये भी आता है कि कन्हैया ने दही की मटकी फोड़ी, पर आज तक किसी भागवत कथा में किसी कथाकार के मुख से ये सुना कि कन्हैया ने छाछ की मटकी फोड़ी? नहीं सुना, क्योंकि छाछ की महिमा दिखाने के लिए कन्हैया एक और लीला करते हैं। कहते हैं कि जब गोकुल की गुर्जरिया माथे पर छाछ के मटके लेकर के और जब मथुरा की तरफ जाती थी, तब कन्हैया उनको बीच में रोक लेते और कहते, रुक रुक काकी, थोड़ी छाछ तो पिला के फिर जा। ये लीला है, खुद के घर में छाछ की कोई कमी नहीं, 9 लाख गौ माता है खुद के यहाँ, कहाँ छाछ की कमी। पर हमें छाछ की महिमा बताने के लिए कैसी लीला कर रहे कि रोक देते कि काकी थोड़ी छाछ पिला दे, तो वो गोकुल की गुर्जरिया मना करती थी, नहीं कन्हैया छाछ तो नहीं पिलाएंगे। जब वो बहुत हाथा जोड़ी करते तब गोकुल की गुर्जरिया कहती, देख कन्हैया एक शर्त पर छाछ पिला सकते। कहा, कैसी शर्त? थोड़ा नाच के दिखा दे, अगर नाच के दिखा दिया तो छाछ तुम्हें पिला देंगे। अब वो त्रिलोकी को, त्रिभुवन को नचाने वाले कन्हैया छाछ के पीने के चक्कर में मेरे भाई बहन उन गोकुल की गुर्जरियों के सामने नाच नाचते थे। और इसी बात को मेरे भाई बहनों, एक मुसलमान कृष्ण भक्त हुए जिनका नाम है रसखान जी। रसखान जी ने अपने पदों में स्पष्ट लिखा है कि शेष गणेश दिनेश महेश पचिहार थके पर पार न पावे ताही अहीर की छोहरी या छचिया पर छाछ पर नाच नचावे। तो छाछ की महिमा बड़ी अद्भुत है, इसलिए हर व्यक्ति को छाछ पीनी चाहिए। वैसे आप में से तो सबने पी होंगी ना छाछ, हाथ खड़ा करना, जो छाछ पीते हैं वो हाथ खड़ा करो, पूरा पूरा हाथ खड़ा करो, एकदम सीधा, नीचे करो, नीचे करो। हाँ माता, आपस में क्यों बोलने लग जाती हो? जब मैं आपसे कुछ पूछती हूँ तो आपके आपस में शुरू हो जाता है। अच्छा, अब देसी गाय माता किन किन के घर पे, वो हाथ खड़ा करो, जर्सियों वाले मत करना। अब देख लो, इतने से लोग हैं जिनके घर में देसी गौ माता है और हाथ तो सबने खड़े कर दिए, छाछ पीते हैं। छाछ का मतलब क्या? वो भैंसों का खट्टा सफेद पानी, वो छाछ नहीं है। छाछ का मतलब देसी गौ माता जी की छाछ, आपके वो थैलियों में आती है 10-10 रुपए में या बोतलों में आती है, वो भी छाछ नहीं है। उसको छाछ समझने की भूल मत कर लेना, और ये बोतलों वाली छाछ से तो दूर ही रहना। तो मेरे भाई बहनों, देसी गाय माता जी की छाछ, और छाछ बनाने की प्रक्रिया तो माताएं मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानती है। अब कई लोगों को कहते हैं छाछ लेके आओ, तो कई लोग क्या कर लेते हैं, दही में वो घोटनी डाल करके फुर फुर करके और उसको ही दे देते हैं, वो भी छाछ नहीं, वो मट्ठा है।
छाछ किसको कहते हैं आप जानते हो ना, कैसे बनाते हैं इसको? हाँ, जब दूध को गर्म करके थोड़ा ठंडा हो जाए, उसमें जामुन डाल करके जो दही बन जाए, उस दही को मेरे भाई बहनों फिर घोटनी से मथ करके, उसके बाद जो लूणी चुटिया या मक्खन निकले उसको अलग करके और पीछे जो बचती है वो होती है छाछ। तो एक गिलास छाछ में मूंग के दाने जितना, बिल्कुल इतना सा चूना डाल के दिन में भोजन के समय पी लो, क्योंकि छाछ में मेरे भाई बहनों फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जिससे भोजन बहुत जल्दी पच जाता है। देखो, बीमारियों का एक कारण ये भी, खाना नहीं पचता है। खाना नहीं पचेगा तो कई तरह की बीमारियां होंगी। जब हम भोजन करते हैं तो मेरे भाई बहनों दो गतियां होती भोजन की। अगर वो पच गया तो ऊर्जा देगा हमारे शरीर को, एनर्जी देगा, और नहीं पचा तो फिर 5-6 घंटे बाद वो भोजन सड़ना शुरू होगा, फिर एसिडिटी, गैस, फिर खट्टे डकारे आना, ये सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। अगर छाछ पियोगे तो नहीं होगी, भोजन पचने में सहायक होती है छाछ। और रात को सोते समय एक गिलास गाय माता के दूध में एक चम्मच गाय माता का घी मिलाकर ऊपर नीचे 31 बार करके घोट के पी के सो जाओ। बस इन 3 नियमों का पालन आपने अपने जीवन में किया तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, कोई बीमारी आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। बस ध्यान इतना देना है कि 11 के दिन, एकादशी के दिन कभी भी गोमूत्र नहीं पीना। भाद्रपद महीना, जो भादवा महीना है, उस एक महीने में कभी छाछ अथवा दही नहीं खाना। और जो श्रावण का महीना है, सावन, उस एक महीने में कभी भी दूध नहीं पीना। क्यों नहीं पीना, ये आगे कारण भी बताऊंगी, कारण भी है, वैज्ञानिक कारण है। तो इन एक एक महीने को छोड़कर बाकी 11 महीने दूध नहीं, और मेरे भाई बहनों 11 को छोड़कर बाकी सब दिन आपने गोमूत्र पिया, कोई बीमारी होगी नहीं। और हो भी गई है कोई बीमारी पहले से शरीर में लगी हुई है, तो भी गौ माता की कृपा से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।